बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफसर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किचन एंड किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और मीठी मीठी सी सेवैयां कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। ये रेसिपी 2 किलो दूध की है, तो आइए देखते हैं किस तरह बनती है। इसके लिए सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन में 1 कप पानी उबाल कर इसमें 1 पैकेट जेली का डालकर पकाएंगे। और किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने 3 मुख्तलिफ रंगों की जेली तैयार की है। अब कस्टर्ड तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 किलो दूध डालकर गर्म करेंगे और इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम या दूध की मलाई डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 पैकेट रंगीन सेवैयों का डालकर 2 मिनट पकाएंगे ताकि सेवैयां अच्छी तरह पक जाएं। अब इसके बाद इसमें 2 कप चीनी डालेंगे, चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को मिक्स करेंगे। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए 1 कप दूध में 8 खाने के चम्मच वेनिला कस्टर्ड डालकर मिक्स करेंगे और इसे दूध में थोड़ा थोड़ा गलते हुए डालेंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसको डिश में निकालने के लिए मिक्स फ्रूट, जिसमें हमने आम, सेब, केले, अंगूर और आड़ू के छोटे छोटे पीस कर लिए थे, और फिर जेली और इसे असेंबल करते हैं। एक डिश में सबसे पहले मिक्स फ्रूट डालेंगे, इस पर 3 किस्म की जेली डालेंगे और फिर सेवैयां कस्टर्ड डालेंगे। इसी तरह एक और तह लगा लेंगे। आखिर में बादाम जेली और केले के साथ गार्निश करें। इस तरह से ये हमारी मीठी मीठी और मज़ेदार सेवैयां कस्टर्ड तैयार हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।